At GLA University, we make the way. We inspire. We are a family bound by a common bond. We lead. We innovate. नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में फ्लोटिंग रेस्टोरेंट फ्लोट का उद्घाटन किया है और इसमें शहर के विकास की चर्चा की गई। उन्होंने ये बताया है कि पिछले 7 वर्षों के अंदर गोरखपुर के अंदर महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं और इसे बेहतर सड़कों और रेलवे कनेक्टिविटी के साथ चिकित्सा सुविधा से देखा जा सकता है। रामगढ़ ताल और अब तक एक पर्यटन हब बन चुका है और यहाँ पर 5-स्टार सुविधाएं उपलब्ध हैं। उन्होंने ग्रीनवुड अपार्टमेंट के निर्माण को समय से पूरा करने के भी निर्देश जारी किए हैं और सांसद रवि किशन ने मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हुए ऐतिहासिक विकास कार्यों की भी सराहना की है। आगे बात चंदौली की करेंगे, जहां पर चंदौली में एक एम्बुलेंस और भैंस की जोरदार टक्कर हुई है और उसमें भैंस की मौके पर ही मौत हो गई। एम्बुलेंस में कोई भी मरीज नहीं था और अन्यथा एक बड़ा हादसा घटित हो सकता था। एम्बुलेंस से चालक फरार हो गया है और जबकि एम्बुलेंस को जेसीबी से बाहर निकालना पड़ा। सीएससी अधीक्षक ने चालक के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है और ये घटना चक्रघट्टा थाना क्षेत्र के मजगाई वन चौकी के पास की है। आगे बात फरुखाबाद की करेंगे, जहां पर फरुखाबाद में श्यामनगर रेलवे क्रॉसिंग का फाटक खराब होने से राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और आईटीआई चौराहे के पास इटावा बरेली हाईवे पर जाने वाले मार्ग पर जो एशिया के सबसे बड़ी सातनपुल आलू मंडी को जोड़ता है वहां पर भीड़ गई है। इस रास्ते से कानपुर, कमालगंज और याकतुआगंज के साथ साथ फतेहगढ़ जाने वाले यात्रियों को भी काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और स्थानीय लोगों ने शीघ्र मरम्मत की भी मांग की है। आगे बात महुआ की करेंगे, जहां पर देवीय आपदा से जूझ रहे किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा कंपनियों की लापरवाही के खिलाफ प्रदर्शन किया है और किसानों का ये आरोप है कि फसल बर्बादी का क्लेम न मिलने से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। उन्होंने 3 किलोमीटर तक मार्च निकाला है और बीमा कंपनी को ब्लैक लिस्ट करने की भी मांग की है। किसानों ने प्रशासन के ऊपर लापरवाही का आरोप भी लगाया है और ये कहते हुए कि पिछले वर्ष की फसल के क्लेम का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। जय जवान जय किसान के संगठन के बैनर तले सैकड़ों किसानों ने हाथ में तख्तियां लेकर नारेबाजी की है और अपने साथ 7 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन SDM को सौंपा है। मामला ये है कि किसानों का भरमे शोषण करते की बीमा कंपनी कर रही है और न ही इनकी मंशा किसी भी तरीके किसानों का जो बीमा होता है देने की मंशा नहीं है इन लोगों की। और जबकि हमारे खरेला से खरीफ 2023 के राजस्व लेखपाल द्वारा पूरी रिपोर्ट लगाई गई है, यहाँ पर पहुँचाई गई, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि हमने इसको नहीं मानेंगे। 15-20 दिनों से हम DD साहब के यहाँ, DM साहब के यहाँ धरना भी दे रहे हैं और यहाँ चक्कर लगा रहे हैं। इसी को लेकर हम आंदोलन कर रहे हैं और आगे और बड़ा आंदोलन करेंगे। जय जवान जय किसान। बीमा कंपनी किसानों के साथ शोषण कर रही है। जब से इसका टेंडर हुआ 2023 से एपको टोकियो कंपनी का, तब से किसानों के साथ बराबर शोषण करती चली जा रही है। खरीफ 2023 हो या खरीफ 2024 हो या खरीफ 2023-24 का ओलावृष्टि हो, जगह जगह जो है किसानों का शोषण करती चली जा रही है। बीमा के नाम पर किसानों को ठेंगा दिखाना चाहती है यह बीमा कंपनी। तो हम प्रशासन से मांग करना चाहते हैं कि इस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किया जाए। ऐसी कंपनी अगर जिले में रहेगी तो किसानों का बराबर शोषण होता रहेगा और बीमा के नाम पर ठेंगा दिखाती रहेगी। जय जवान जय किसान। खबर उत्तर प्रदेश के भदोही से है, जहां पर समाजवादी पार्टी के विधायक जाहिद बेग ने आज पुलिस को चकमा देते हुए जिला न्यायालय में सरेंडर कर दिया है और इस बीच समाजवादी पार्टी जिला अध्यक्ष प्रदीप यादव के नेतृत्व में सैकड़ों सपा कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर पहुंचकर जिलाधिकारी को पत्रक सौंपा जिसमें विधायक और उनके परिवार के ऊपर फर्जी मुकदमा लादने का आरोप भी लगाया गया है और यादव ने ये कहा कि विधायक को गलत तरीके से फंसाया जा रहा और उनकी पत्नी भी इस मामले में नामजद की गई है। उन्होंने निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग उठाई।
विधायक के अधिवक्ता बेटे जमी की हिरासत को लेकर भी विवाद है और विधायक के कोर्ट में सरेंडर के दौरान उनके साथ दुर्व्यवहार का आरोप भी लगा है। आज पत्र को जिलाधिकारी महोदय को दिया है कि 4 दिन से पुलिस उनके बच्चे को उठाई थी, शारीरिक रूप से मानसिक रूप से लगातार प्रताड़ित करने की बात की। एक अधिवक्ता को 4 दिन तक पुलिस बिना कुछ किसी कानूनी आधार पर कस्टडी में रखते हुए, जब हम लोगों ने जाके कल ADG साहब को एक ज्ञापन दिया है, उसके बाद ADG ने स्वीकार किया कि पुलिस कस्टडी में आनंद फानंद में उसी फर्जी मुकदमे में लाके उनके बेटे को भी फंसा दिए। और ये उसी संबंध में हम DM साहब से ये कि 4 दिन बिना किसी कोर्ट के अनुमति के बगैर 4 दिन लगातार कस्टडी में रखे, उसकी जांच हो और ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ, पुलिस के लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो, निष्पक्ष जांच हो, इस संबंध में हम लोगों ने DM साहब को पत्रक दिया है। उत्तर प्रदेश के भदोही में सपा विधायक के जायद बेद ने गुरुवार को जिला अदालत में सरेंडर कर दिया और उन पर नौकरानी की आत्महत्या और उकसाने के साथ बच्चों की तस्करी के मामले में वो वंचित हैं और उसमें CGM कोर्ट में पेश किया गया, जहां करीब 1 घंटे तक वो रहे हैं और बाद में जिला कारागार उनको भेजा गया। कोर्ट के बाद विधायक ने ये कहा है कि उनके साथ बदसलूकी की गई है और वो गुंडे या बदमाश नहीं है। इस मामले में उनके बेट जमई को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है और जबकि विधायक की पत्नी सीमा बेग भी अभी फरार हैं। देखे जाहिद बेग विधायक जो भदोही विधानसभा से 2 बार से विधायक हैं, उनके पिता भी मजदूरों के नेता, जमीन पर बैठने वाले, साइकिल से चलने वाले यूसुफ बेग यहाँ के सांसद थे। जाहिद बेग के लड़के को पुलिस अधीक्षक की जानकारी में 15 तारीख को पुलिस ले जाती है, उनको भदोही में बैठाती है, इलाहाबाद ले जाती है, दुर्गागंज थाने में बैठाती है और 4 दिन बाद जाहिद बेग का लड़के का चालान करती है। विधायक जी, जो चीज हमारे साथ जिस तरह से बिहेव किया गया है, जिस तरह हमारे न्यायालय के अंदर मुझे पीटा गया, पुलिस वालों ने पीटा, ये सब लोग देखा है, मैं न गुंडा हूँ न बदमाश हूँ। जिस तरीके से किसके इशारे पर किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, मुझे इस बात का पता नहीं है। आगे बात ईटे की करेंगे, जहां पर ईटा के अंदर मारहरा थाना क्षेत्र में 6 महीने पहले 6 वर्षीय बच्चे का अपहरण हो गया था, लेकिन पुलिस अब तक कोई भी सुराग नहीं लगा पाई। बच्चे के पिता ओमकार सिंह ने यह बताया है कि उनकी नामजद रिपोर्ट के बावजूद पुलिस ने अज्ञात पर FIR को दर्ज किया है और अपहरण के समय बच्चा पड़ोसी की 16 वर्षीय बेटी रोनी के साथ था, जो उसे टॉफी दिलाने के बहाने ले गई थी। और ओमकार ने यह भी आरोप लगाया है कि राजनीतिक दबाव के चलते पुलिस से कार्रवाई नहीं कर रही और वो SSP और जिलाधिकारी के कार्यालय के चक्कर काट रहे। हाल ही में उन्होंने अपर पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की, जिन्होंने जल्द से जल्द कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। राम सिंह राजू पहलवान, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अखिल भारतीय लोक जनता राजपूत महासभा। आज से 6 महीने पहले मारहरा थाने में, जो गांव समस्तपुर है और से जयस लोधी की, जिसकी उम्र 5.5 साल है, उसका अपहरण हुआ है 6 महीने पहले। 6 महीने से हम लोग लगातार आ रहे, पूरा प्रांगण भरा है, 1000-2000 आदमी भी आए थे यहाँ, लेकिन उस दिन से आज तक इस पकड़ का कोई भी सोल्यूशन नहीं निकला है, कोई पर्दाफाश नहीं हुआ है, कोई सुराग नहीं लगा है। तो आज हम लोग ये हमारे साथ हैं, बेटे के बाबा हैं और क्षेत्र के लोग आए हैं, तो आज हमने इसे रखा है, तो अपर साहब से एक्शन साहब से मिले थे। आगे बात करेंगे लखीमपुर खीरी की, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष के बड़े भाई ने खुदकुशी कर ली है और इससे परिवार के अंदर मातम छा गया। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सुनील सिंह के बड़े भाई गोविंद सिंह ने गोली मारकर खुदकुशी का कारण नहीं हो सकता ये स्पष्ट किया है।
मुजफ्फरनगर के अंदर थाना शाहपुर पुलिस ने 5 किलो और 94 ग्राम गांजे के साथ होमगार्ड राजेश को गिरफ्तार किया है। राजेश तस्करी के अवैध कारोबार में संलिप्त था और कई थानों में तैनात रह चुका है। पुलिस ने NDPC एक्ट के तहत राजेश और अन्य तस्कर अमित के खिलाफ भी मुकदमे को दर्ज किया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। उधर बहराइच की तहसील केसरगंज के सराय जगना गांव के अंदर 100 से अधिक निवासियों को प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण हटाने का नोटिस दिया है और निवासी जो पिछले 40 वर्ष वहां पर रह रहे हैं असमझ में हैं कि आखिर वो जाएं तो फिर जाएगा और उनके लिए यहां अचानक से एक संकट के बादल छा गए। सैकड़ों लोग केसरगंज विधायक आनंद यादव और पूर्व विधायक शब्बीर अहमद के नेतृत्व में बहराइच जिलाधिकारी पहुंचे हैं और ADM को राहत के लिए प्रार्थना पत्र दिया। ADM ने आश्वासन दिया है कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा और निवासियों का रो रोकर अब बुरा हाल है और वो चिंता में पड़े हुए। यदि उनकी छत हटा ली जाती है तो उनके परिवार को रहने के लिए कहाँ पर ठिकाना दिया जाएगा। देखिए हम लोग हमारे विधानसभा क्षेत्र कैसरगंज में सराय जगना एक ग्राम पंचायत है और काफ़ी घनी आबादी है। 50 साल से लोग वहाँ पे आबाद हैं और वहाँ पे कल तहसील प्रशासन गया था और उसने आदेशित किया है कि आप लोग मकान खाली करिए नहीं तो आपके मकान गिरा दीजिए। इस संबंध में हम जिलाधिकारी महोदय से मिलने आए थे लेकिन उनकी कुछ अस्वस्थता होने के कारण उन्होंने ADM साहब को फ़ोन किया। ADM साहब से हम मिले हैं। ADM साहब ने आश्वस्त किया है कि मकान किसी के नहीं गिराए जाएंगे। उन्होंने तहसीलदार को फ़ोन किया है, ADM साहब को फ़ोन किया है और कहा है कि जब तक हम जांच पूरी कराने के बाद ही कोई कार्रवाई की जाएगी, मकान फिलहाल नहीं गिराए जाएंगे। इसका आश्वासन उन्होंने दिया। खबर बहराइच से ही है जहां पर फकरपुर थाना क्षेत्र में सरयू नदी पर बने पुल के ऊपर बैठकर मछली का शिकार देख रहे 30 वर्षीय युवक रोहित कुमार पुत्र देवता दिन नदी में गिर गए हैं और डूबने से उनकी मौत हो गई। हादसा बुधवार सुबह हुआ है और वो असंतुलित होकर नदी में गिर गए और पुलिस और गोताखोरों ने सुबह 11 बजे उनके शव को बरामद किया जो अब पीपे में फंसा मिला है। और रोहित के 2 पुत्र और 1 बेटी, उसकी पत्नी और बच्चे काफी ज्यादा रो रोकर उनका बुरा हाल हो चुका है और फकरपुर थाना क्षेत्र की पूरी घटना है। बहराइच के मैसी इलाके में आतंक मचाने वाले 6 नरभक्षी भेड़ियों को पकड़ने के लिए वन विभाग विभिन्न प्रयोग करता हुआ नजर आ रहा। पिंजड़े में गुड़िया बिठाने को लेकर गन्ने के खेत में इंसान मलमूत्र छिड़कने तक का प्रयास किया गया है लेकिन भेड़िया अभी भी पकड़ से दूर है। वन विभाग एक नई तकनीक का इस्तेमाल भी कर रहा है जिसमें मादा भेड़िए की आवाज सुनाई जाएगी जिससे भेड़िया आकर्षित होकर पकड़ में आ सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इससे भेड़ियों को पकड़ने के सख्त निर्देश दे दिए हैं और पिछले 10 सितंबर का 5वां नरभक्षी भेड़िया पकड़ा गया था लेकिन 6ठा अभी भी फरार है। देखिए अगर जहाँ उसका मूल स्थान था तो वो भी वहाँ पानी भरा था, अब तक अब थोड़ा बहुत पानी नीचे उतरा है तो वहाँ धसान बहुत अधिक है। अगर वो 3-4 दिनों में अगर धूप रही, धूप जैसे कल भी धूप निकला था, आज भी धूप निकला है, तो 3 दिनों में अगर वो स्थान सूखता है तो हमने देखा पगमार्क मिला है, वो आने का प्रयास किया है उसने 2 दिन पहले, तो वो आने का प्रयास कर रहा है। इसका मतलब कि सूखने का वेट कर रहा है, सूखेगा तो आएगा। और अभी वो कहाँ है, वो लगातार इधर उधर भटक रहा है, उसको ढूंढना थोड़ा सा कठिन है। हो सकता है हमारी रेंज के बाहर कहीं निकल गया हो या मतलब अनिश्चितता है। उधर बात कानपुर की करेंगे जहां पर कानपुर नगर के सीन पश्चिम पारा क्षेत्र के अंदर रामलीला का मंच किया गया है और इसमें कलाकारों ने राम जटायु मिलन और लक्ष्मण द्वारा शूर्खनाथ की नाक काटने और खर दूषणा बंद का जीवंत प्रदर्शन किया। दर्शकों ने शूर्खनाथ के लटके झटकों पर खूब हंसी मजाक किया है और मुख्य अतिथि अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के जिला अध्यक्ष मनोज भदौरिया ने भगवान श्री राम की आरती कर लीला का शुभारंभ भी किया। उन्होंने भगवान श्री राम के आदर्श चरित्र पर प्रकाश डाला है और समाज के अंदर लिंग अनुपात और असंतुलन के मुद्दों पर भी चर्चा की है। रामलीला में जय जय श्री राम के नारे भी लगाए गए हैं और इस कार्यक्रम में समिति के पदाधिकारी और कई स्थानीय लोग भी शामिल हुए हैं।
खबर कोशाम्बी से है, जहां पर कड़ा थाना क्षेत्र के दारा नगर वार्ड नंबर 14 में बंद पड़े दो घरों में लाखों की चोरी हुई है और चोरों ने ताला तोड़कर नकदी और जेवरों को चुराया। पीड़ित परिवार पिछले एक महीने से मुंबई के अंदर थे और वो चोरी की जानकारी मिली तो उनके होश फाख्ता हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। आगे बात हरदोई की करेंगे, जहां पर पूर्व उपमुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने ब्राह्मण सम्मेलन के दौरान हंगामा हो गया और आयोजक ब्राह्मण और परशुराम संगठित समाज संरक्षण विश्व फाउंडेशन के जिलाध्यक्ष सर्वेश पांडे ने मंच से कहा कि उन्हें ठगा गया, उनकी भीड़ बुलाने पर उन्हें मिलने नहीं दिया गया और उन्होंने आरोप लगाया है कि उनका पैसा बर्बाद किया गया। कार्यक्रम खत्म होने से पहले ही हंगामा मच गया और इसका वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर खूब वायरल हो रहा है। ये घटना आर्य कन्या इंटर कॉलेज की है। उधर बहराइच नगर के अंदर क्षेत्र में पीपल तराहे से लेकर घंटाघर चौक तक नालियों पर किए गए अवैध अतिक्रमण को बुलडोजर के द्वारा हटवाया गया है और इसमें सिटी मजिस्ट्रेट के द्वारा ये बताया गया है कि आज पीपल तराहे से घंटाघर चौक तक अतिक्रमण हटाया गया और हर दिन अलग अलग जगहों पर पूरे नगर पालिका क्षेत्र के द्वारा अवैध अतिक्रमण को हटाने के कार्य जारी हैं और इस मौके पर सिटी मजिस्ट्रेट शालिनी प्रभाकर और अधिशासी अधिकारी ईओ नगर पालिका प्रतिमा सिंह और नायब तहसीलदार सुरेंद्र यादव के साथ साथ पुलिस प्रशासन मौजूद रहा है। उधर महुआ जंक्शन से खजुराहो और वाराणसी रेलवे ट्रैक की सुरक्षा पर रेलवे ने डिजिटल निगरानी की पहल को शुरू किया है और रेलवे ट्रैक सुरक्षा समिति बनाई गई जिसमें जीआरपी, आरपीएफ और सिविल सर्विस के साथ साथ ट्रैक के आसपास रहने वाले नागरिक शामिल हैं और समिति के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप को बनाया गया जहां ट्रैक से जुड़ी सूचनाएं और संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्ट की जाएगी और पुलिस ने रात के समय फूड पेट्रोलिंग भी की है और आसपास के संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की है। सभी से ये अपील की गई है कि कोई भी संदिग्ध वस्तु मिलने पर तुरंत पुलिस को सूचित करें ताकि संभावित रेल हादसों को रोका जा सके। ये हम लोग आपस में आज एकत्रित हुए हैं रेलवे ट्रैक की सुरक्षा के संबंध में वार्ता करने के लिए। उस पर हम लोग एक समिति बनाने जा रहे हैं जिसमें सभी लोग आपस में एक दूसरे से जुड़ेंगे और इसको हम लोग एक जरिए व्हाट्सएप आपस में जुड़ रहे हैं जिसके माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान होगा। जिस कारण रेलवे ट्रैक में कोई अव्यवस्था है, कोई परेशानी, उसको त्वरित रूप से दूर कर सकें। बस इस के लिए हम लोग आरपीएफ के इंस्पेक्टर साहब हैं, आरपीएफ का पुलिस बल है, जीआरपी का पुलिस बल है, रेलवे के अधिकारीगण हैं, सम्रांत व्यक्ति आए हैं हमारे, रेलवे ट्रैक के आसपास के लोग थे जिनको हमने बुलाया था और आपस में इस प्रकार की सूचनाओं को आदान प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में पक्का तारावी स्थित 300 वर्ष पुराने विश्व मंदिर के जीर्णोद्धार को लेकर शिकायतकर्ता रोहित सिंह और गौर ने अधिकारियों और शिकायती पत्र देकर मंदिर का निर्माण कराए जाने पर भारतीय जनता पार्टी नेता राजकुमार मौर्य पर परेशान करने का आरोप लगाकर अधिकारियों को शिकायत पत्र दिया। मुख्यमंत्री पोर्टल कई बार शिकायत किया है और जिला अधिकारी शिकायत कर कार्रवाई की मांग भी की जा रही है कि इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई भी की जानी चाहिए। मंदिर का निर्माण हमने आज से लगभग 5 से 6 साल पहले जीर्णोद्धार इसका करा चुके थे और यहाँ पर तथा कथित इस समय जो भाजपा के एक नेता हैं राजकुमार मौर्य, वो बराबर आकर यहाँ पर ये दावा कर रहे हैं कि ये मंदिर और ये कुआं जो हमारे बगल में है ये उनकी ज़मीन पे है, इसलिए यह उनका है और वो इसका किसी भी तरह से उपयोग कर सकते हैं। उनका कहना है कि हम इस मंदिर के चारों तरफ बाउंड्री वॉल करा सकते हैं और वहाँ पर गेट लगा देंगे। कुल मिला के उनका कब्जा करने की नीयत से और यह मंदिर के जो पुराने रास्ते थे इन सबको उन्होंने प्लॉटिंग के रूप में बेच ही दिया है और मेरे ऊपर भी तरह तरह के दबाव वो बनवा रहे हैं। इसमें कई लोग उनका साथ भी दे रहे हैं, जैसे कि उनके मित्र हैं रमेश पटेल जी हैं, एक आरएसएस के विपिन जी हैं, वो सब लोग इकट्ठे होकर यहाँ पर आ जाते हैं, 10 से 15 लोग आ जाते हैं। मेरे घर पर कोई रहता नहीं है मम्मी के अलावा, तो इस तरीके से हमारे ऊपर बराबर उन्होंने दबाव बना रखा है।
आगे बात कौशाम्बी की करेंगे, जहां पर सड़क हादसे में घायल युवक सोनू कुमार के इलाज के दौरान मौत हो गई है और परिजनों ने प्राइवेट हॉस्पिटल में हंगामा काटा। परिजनों ने डॉक्टर और कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया है और सोनू को गंभीर हालत में जिला अस्पताल से प्रयागराज के SNR अस्पताल में रेफर किया गया, लेकिन परिजनों ने उसे निजी अस्पताल में भर्ती करवाया जहां उसकी मौत हुई। हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और 2 घंटे के बाद स्थिति को नियंत्रण किया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई। डॉक्टरों ने बताया है कि उन्हें समय पर इलाज शुरू किया, लेकिन परिवार के सदस्य देर से पहुंचे हैं। 3 बजे हमारे यहाँ एंट्री हुआ, 3 बजे मरीज आया, हमने एंट्री कराया। इसके बाद जो है गए मरीज को, जब तक देखने सारी BP पल्स वगैरह देखने में समय लगता है, शुरू में थोड़ा ठीक रहा, जिसके बाद देखते देखते सारी चीज़ें, ये लोग आधे घंटे 15-20 मिनट में सारे, कोई अटेंडेंट नहीं मिला। इसके बाद जांच हुई, मैंने सारी जांच कराई अपने पैसे में, ना कोई ये पैसा 1 रुपया जमा हुआ, ना दवाई का, ना कुछ भी, हम इसका इलाज करते रहे सारी चीज। फिर इसके बाद जो है मैंने इनको 6:30 बजे, इनके एक भाई आए, पूरे कैमरे की रिकॉर्डिंग है पूरी मेरे पास, मैं इनको पूरा 1.5-2 घंटे पहले मैंने बता दिया भाई बचने को उम्मीद एकदम नहीं है, आप इलाहाबाद जो भी आप कहीं भी ले जा सकते हैं, अपना ले जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के खुकराज थाना क्षेत्र में जंगली जानवर निकलने से हड़कंप मचा है और खेत से वापस घर की ओर युवक जंगली जानवरों ने हमला कर दिया और युवक को जंगली जानवर ने घायल भी कर दिया। घायल युवक की चीख पुकार सुनकर ग्रामीणों ने जोर शोर से वहां पर हंगामा किया और लगातार आवाजों से वो है वहां पर बना रहा। आपको बताएं, ग्रामीणों ने घायल युवक को अस्पताल भेज दिया है और जंगली जानवर निकलने की सूचना पुलिस को दे दी है। बेटे के साथ हमारे ये हुआ कि शाम हो गई थी, वो बोला कि मम्मी चलो खेत घूम के आते हैं, बाजरा के खेत में जान ये गांव वाले जानवर खाए डालते हैं, तो ये बोला कि तू घर जा मम्मी, मैं हाँक के आता हूँ। और ये गया हाँकने तो वहाँ पे 2 गाय चरती थी, वो जना भेड़िया था वो रपट रहा इसके पास, जब ये रपटा तो पंजा मार दिया पेट में, एक हाथ से ये उसको पकड़ लिया, एक हाथ इसका भेड़िया का। अब उसके बाद खाही के बगल में एक थूनी गड़ी थी, थूनी को उखाड़ के ये नचाने लगा था, तो वह डर के आगे पीछे अकेले भेड़िया था इधर उधर करने लगा। उसके बाद ये गांव की तरफ भागा, गांव के लोग जब उसको खदेड़े तो वह फिर भाग गया था। काफ़ी 2-3 घंटे तक उसको चहेटे खदेड़े, ये घर आया इसके पसीना पोंछा, खून पोंछा, कपड़ा लत्ता सब फट गए। आगे पीलीभीत की बात करेंगे, जहां पर नगर पालिका परिषद के 4 कर्मचारियों के निलंबन के विरोध में सभी सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी और कर्मचारियों ने पालिका कार्यालय में प्रदर्शन करते हुए 3 सूत्री मांगों को उठाया। हड़ताल के कारण शहर में कूड़े के ढेर लगे हुए हैं और सिटी मजिस्ट्रेट विजय वर्धना तोमर ने कर्मचारियों की मनाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं हुआ। सफाई मजदूर संघ के जिलाध्यक्ष मुकेश वाल्मीकि के नेतृत्व में कर्मचारियों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और इसमें उन्होंने अपनी मेहनत और सम्मान की मांग की। हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती। पालिका प्रशासन में हम जो शिकायत की गई है वो हमारे मान सम्मान के लिए करी गई है। जो हमारे कर्मचारी रात दिन काम कर रहे हैं गर्मी काल में, बरसात में, जाड़ों में, और यहाँ तक कि कोरोना काल में भी हम ही लोग सब बाहर आए थे, जिसमें हमने लोगों ने देश के हित के लिए काम किया था और आज भी हम देश के हित के लिए काम कर रहे हैं। अधिकारी जो हमारे हैं वो जो भी आदेश देते हैं उनके साथ हम कंधा से कंधा मिला के काम करते हैं, और नगर पालिका के खिलाफ जो लोग उत्पीड़न पैदा कर रहा है वो गलत है। और हम लोग खबर कौशाम्बी से है, जहां पर कौशाम्बी के दारानगर कस्बे में चोरों ने 2 घरों को निशाना बनाकर लाखों के जेवरात और नकदी को चुरा लिया है और दोनों मकान मालिक लालागिरी और बोधगिरी 1 महीने के बाद जब घर लौटे तो उन्होंने देखा कि अलमारी का ताला टूटा हुआ और सामान बिखरा पड़ा। घटना की सूचना मिलते ही काड़ाधाम पुलिस और फॉरेंसिक की टीम मौके पर पहुंची है और क्षेत्र में बढ़ती चोरी की घटनाओं से लोगों के अंदर डर और चिंता फैली हुई। स्थानीय निवासियों ने पुलिस की गश्त में कमी की शिकायत बताई है। भैया हम लोग गए थे बाहर और अपने पति के साथ गए थे, 1-1.5 महीना बाद लौट के आए, जैसे तो देखा बाहर का ताला खोला, अंदर गए तो हमारे सारे कमरों के ताले टूटे थे और हमारी बहू का कमरा में लॉकर उकर सब टूटा, उसकी गोदरेज अलमारी भी सब टूटी, सब जेवर थे वो ले गए और पीतल के बर्तन सब ले गए और हार था, माथ मेहंदी थी, कमर की पेटी थी,
ऐसे बहुत से जेवर थे और 3000 नकदी था। और जैसे हम फिर देखा और तुरंत पुलिस को फोन किया और आई पुलिस, अपने इंक्वायरी किए, सब पुलिस देख कार्रवाई कर रही है और हमारे बगल का घर में मुंबई भी ऐसा ही हुआ है। खबर बदायूं से है, जहां पर बदायूं के ग्राम दुंदी नगला के अंदर खेत में लगे करंट से 18 वर्षीय युवक की दर्दनाक मौत हो गई है और परिजनों का ये आरोप है कि खेत पर लगे तारों में बिजली की सप्लाई दी जा रही। युवक घास लेने गया हुआ था जब उसे करंट लगा। इस हादसे में परिवार के अंदर कोहराम मच गया है और पुलिस ने सूचना मिलते ही शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जाँच शुरू कर दी है। क्या नाम है? कहाँ रहते हो? थाना। क्या बात हो गई है? घास लेने गए थे। कौन? दीपन भाई। अच्छा, कितनी उम्र है लगभग? 18 साल। 18 साल की है। तो क्या घटना हो गई इनके साथ में? थोड़ी देर भाई हमारा था छोटा वाला जी, हम तो उससे दूर थे, हम उधर ढूंढ रहे तो इसको नरेगा पे घास रखी मिली पड़ ली। अच्छा। हाँ, तो थोड़ी देर हम आगे ढूंढते रहे, आगे बढ़ के महल पे देखा तो ये खेत में पड़ा हुआ तार के ऊपर था। अच्छा, किसका तार था? खबर बलरामपुर से है, जहां पर बलरामपुर पुलिस ने चोरी की बढ़ती घटनाओं पर अंकुश लगाने को लेकर तेजी से कार्रवाई की है और 14-15 सितंबर की रात गणपति ऑटो पार्ट्स में हुई चोरी के मामले को लेकर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। इनमें से एक अंशुल चौहान और ई रिक्शा चालक है और इसमें अपने रिश्तेदार को दुकान के अंदर रखे नकद के बारे में जानकारी दी थी। पुलिस ने तीनों से 16,900 रुपए और एक मंगलसूत्र के साथ एक छत का पंखा भी बरामद किया है और सभी आरोपी शातिर चोर हैं। अन्य जनपदों में भी उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं और उन्हें विधिक कार्रवाई कर जेल भेज दिया गया है। तारीख की रात को कोतवाली नगर में एक ऑटो पार्ट्स की दुकान में चोरी हुई थी, उसमें थाना कोतवाली नगर में जो है मुकदमा पंजीकृत किया गया और पुलिस टीम के द्वारा जो है इसमें 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें उनके कब्जे से कुछ रुपए बरामद हुए हैं, एक चेन भी बरामद हुई है और एक पंखा भी बरामद हुआ है। ये 2 आपस में रिश्तेदार हैं और एक तीसरा इनका मित्र है जो ये रिक्शा चलाता था, इनको सूचना देता था। तो तीनों को गिरफ्तार किया गया है और इनको जो है जेल भेजा जा रहा है। अपराधिक इतिहास है इसमें जो है, एक के खिलाफ जो है इसमें करीब 8-10 मुकदमे हैं बस्ती जनपद और यहाँ बलरामपुर दोनों मिला के। आगे बात अमेठी की करेंगे, जहां पर अमेठी में एक व्यापारी के साथ लूट की कोशिश के दौरान मोहल्लेवासियों ने एक बदमाश को पकड़ लिया है जबकि 2 अन्य फरार हो गए। पीड़ित व्यापारी ने बताया है कि 3 बाइक के सवार बदमाशों ने तमंचे के बल पर छीना झपटी की है और घटना के शोर सुनकर लोग दौड़े। एक बदमाश को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया है और पुलिस ने पूरे मामले की जाँच भी शुरू कर दी है। खबर बलरामपुर से है, जहां पर जिलाधिकारी पवन अग्रवाल ने विकास खंड अतरौला के अंदर गैटसास बुजुर्ग का निरीक्षण किया है। उन्होंने निर्माणाधीन परियोजनाओं और जन कल्याण योजनाओं की स्थिति का गहन परीक्षण किया। गैडांस बुजुर्ग में ब्लॉक मिशन मैनेजर की लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए नोटिस को जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने ब्लॉक कार्यालय में दलालों की दखल न होने और IGRS की शिकायतों को प्रताड़ित करने को लेकर भी आदेश जारी कर दिए हैं और कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में पढ़ाई और भोजन की गुणवत्ता की जाँच के साथ निर्माणाधीन इंटर कॉलेज और थाना परिसर का भी निरीक्षण किया गया। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, ताजातर खबरों के लिए आप लगातार बने रहें न्यूज वर्ल्ड इंडिया के साथ। At GLA University, we make the way, we inspire.